कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ 5 कृपा राम खिड़िया। दूसरा सोठा चल रहा था तो उसकी व्याख्या करेंगे। पहले लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपा राम खिड़िया द्वारा रचित सोठों से अवतरित है। इस सोठे में कवि ने अपने सेवक राजा राम, जिसका नाम राजिया भी था, को संबोधित करते हुए अपने गुण अवगुण पर ध्यान देने और जीवन में पराक्रम के महत्व पर प्रकाश डाल रहा है। व्याख्या। कवि कृपाराम खिड़िया जी कहते हैं कि जीवन में बिना बल और पराक्रम के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। जो रंगे सियार का अर्थ होता है पराक्रम का ढोंग करने वाले हैं, उन्हें कितना भी ललकारो या उकसाओ, वे असफलता के भय से, भय के कारण कभी भी सामने नहीं आते। विशेष है पहला पॉइंट, जो व्यक्ति बल और पराक्रम दिखाने में समर्थ नहीं होते वे अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। दूसरा है, पराक्रम का ढोंग करने वालों की जग हंसाई होती है। ये संदेश अभिव्यक्त हुआ है। तीसरा है, डिंगल भाषा से प्रभावित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा है, सोठा छंद प्रयुक्त हुआ है। पांचवा है, बयान सगाई और अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा सोठ है, मिले सिंह वनमाहा किण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जहां रहे उरद गत राजिया। प्रसंग। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजियारा सोठा से अवतरित है। इस सोठे में कवि अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कह रहा है कि बलवान और पराक्रमी लोग अपने पुरुषार्थ से उच्च स्थिति को प्राप्त किया करते हैं तथा युद्ध में तलवारों की धार का सामना करने वाले राजा बनकर पृथ्वी को भोगा करते हैं। व्याख्या। कवि कृपाराम कहते हैं कि सिंह अर्थात शेर को मृगपति अथवा पशुओं का राजा कहा जाता है, किंतु पशुओं ने मिलकर कभी उसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। वह तो अपने पराक्रम के बल पर पशुओं का राजा बना हुआ है। कहने का अर्थ, बलवान प्राणी जहाँ भी रहता है वह सदैव ऊंचे स्थान पर ही सुशोभित रहता है। विशेष, युद्ध में भाग लेना गौरव की बात है। जब सूरवीर तलवारों की तीखी धार का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तभी वह पृथ्वी का राजा बनकर सारे सुख भोगते हैं। दूसरा है, चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने वाला व्यक्ति जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करता है। तीसरा है, सरल राजस्थानी भाषा प्रयुक्त हुई है। चौथा है, उपदेशात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। पांचवा है, बयान सगाई और अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। छठा है, सोठा छंद प्रयुक्त हुआ है। चौथा तो है, अच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दशे भोगे हुए वर्तार जी के नर राजिया। प्रसंग। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित
राजिया रासोठा से अवतरित है। इस सोठे में कवि ने वीरों की वीरता का वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि युद्ध होने पर वीर वीरतापूर्वक युद्ध क्षेत्र में शौर्य का प्रदर्शन किया करते हैं, तभी उनका समाज में सम्मान बढ़ता है। हे राजिया, वे सूरवीर लोग ही इस पृथ्वी की तमाम सुख सुविधाओं का उपभोग अपने साहस शौर्य के बल पर सुखों का भोग करते हैं। विशेष पहला वीरों की विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। दूसरा है, डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा प्रयुक्त हुई है। तीसरा है, बयान सगाई अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुई है। चौथा है, सोठा छंद प्रयुक्त हुआ है। पांचवा सोठ है, इन ही सुअवदात कहनी सोच विचार कर बेमोसर री बात रूढ़ी लगी राजिया। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया रा सोठा से अवतरित है। इस सोठे में कवि ने सोच विचार कर बात करने की शिक्षा दी है। व्याख्या। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि अच्छी या हितकारी बात भी व्यक्ति को सोच विचार कर ही कहनी चाहिए, क्योंकि बिना समय और अवसर का ध्यान रखे जो बात कही जाती है वह सुनने वालों को अच्छी नहीं लगती। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने अपनी बात सरल भाषा में स्पष्ट की है। दूसरा है, कवि ने उचित अवसर पर का ध्यान न रखने वाले व्यक्ति अपनी ही हंसी कराता है, ये संकेत किया गया है। तीसरा है, सोठा छंद प्रयुक्त हुआ है। चौथा है, बयान सगाई अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और अनुप्रास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। और पांचवा है, डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है।